अध्यक्ष जेपी नड्डा आज वर्चुअल तरीके से पश्चिम बंगाल में 3 रैलियां करेंगे। उनकी पहली रैली दोपहर 1 बजे मालदा जिले के मानिकजल में शुरू होगी। इसके बाद वो मुर्शिदाबाद के बुरवान में दोपहर 3 बजे डिजिटल तरीके से जनता को संबोधित करेंगे। शाम 5:30 बजे के करीब नड्डा कोलकाता जिले के काशीपुर बेलगछिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करेंगे। 2 दिन पहले ही कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में अपनी सभी रैलियों को रद्द कर दिया था। इसके बाद बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी वर्चुअल तरीके से रैली करने का फैसला लिया है, ताकि कोरोना को फैलने से हर हाल में रोका जा सके। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बंगाल में आज 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। उनकी पहली रैली कोलकाता जिले के काशीपुर बेलगछिया विधानसभा में सुबह करीब 11 बजे होगी। इसके बाद वो दोपहर करीब 1:30 बजे मुर्शिदाबाद जिले के हरिहरपारा विधानसभा में दूसरी रैली करेंगी। तीसरी रैली शाम 4:30 बजे कोलकाता जिले के बेलियाघाट में और चौथी रैली शाम 5:30 बजे कोलकाता जिले के ही एंटली विधानसभा में करेंगी। कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने रैलियों में 500 से ज्यादा लोगों के मौजूद होने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद सभी पार्टियां छोटी सभा और रैलियों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। महाराष्ट्र के पुणे से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। ये आग कैसे भड़की इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ ही देर में इसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद तो फैक्ट्री आग की भयानक लपटों में धधकने लगी। इस दौरान उसमें धमाके भी होते सुनाई दिए, जिसने आसपास के लोगों को खौफ से भर दिया। धमाके के बाद तो इसकी लपटें आसमान छूने लगी और इसका काला धुआं चारों तरफ फैल गया। डर इस बात का सताने लगा कि कहीं ये आग पास की दूसरी फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ना ले ले। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन धमाके की वजह से उस फैक्ट्री की एक दीवार पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। हादसे के वक्त फैक्ट्री बंद थी, जिसकी वजह से इसमें कोई भी कर्मचारी नहीं था, इसलिए बड़ी दुर्घटना टल गई। महामारी के इस दौर में एकजुटता को इसलिए कारगर हथियार माना गया है, क्योंकि इसी एकजुटता के बूते पर खतरनाक वायरस की चेन को तोड़ा जा सकता है। यही वजह है कि ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए तमाम बड़ी संस्थाओं ने मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। मदद के यही हाथ कोरोना के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह साबित हो सकते हैं, जिससे कोरोना की किलर स्पीड को थामा जा सकता है। कोरोना को शिकस्त देने वाला अभियान, वायरस को पस्त करने वाला प्लान, महामारी के खिलाफ सबसे बड़ा चक्रव्यूह। जिस वायरस ने पूरी दुनिया को बिखेर कर रख दिया, अब उसी वायरस के खात्मे के लिए एकजुटता को हथियार बना लिया गया है। भारत के अलग अलग राज्यों में कोरोना से मचे कोहराम पर लगाम कसने के लिए एक बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। महामारी के खिलाफ इस चक्रव्यूह को समझने से पहले उन राज्यों पर नजर डालते हैं जहां वायरस चुनौती बना हुआ है। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, देश के 7 राज्यों से आई ये तस्वीर अपने आप में साफ करती है कि कोरोना ने अपने पांव किस कदर फैला लिए हैं। खास बात ये कि कोरोना की पिछली लहर में भी महाराष्ट्र का हाल बेहाल था और इस लहर में भी आंकड़े पिछले तमाम रिकॉर्ड को ध्वस्त कर चुके हैं। यही वजह है कि कोरोना से बचाव के लिए अब लोगों में वैक्सीनेशन की होड़ मच गई है। मुंबई के दहिसर इलाके में वैक्सीनेशन को लेकर 3 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। मुंबई में लगातार कोविड संक्रमण के बढ़ते केसेस के बीच अब वैक्सीनेशन लगाने के लिए होड़ मच गई है। मुंबई के 63 कोविड सेंटर में हम मौजूद हैं। पीछे का
नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो है यहाँ पहुंचे हैं। ये लाइन जो है ये दिख रही है वो लाइन 2 किलोमीटर लंबी है। आज लोग जो है वैक्सीनेशन लगाने पहुंचे हैं। ये तो लंबी आप लाइन देख रहे हो, उसमें लोग हैं, 45 एज के लोग हैं वो भी हैं, सारे लोग दिख रहे हैं। साथ ही साथ मुंबई पुलिस भी यहाँ पहुंचे हैं। कह रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। जहाँ माइक में अनाउंसमेंट करके ये भी बताया जा रहा है कि आप वैक्सीनेशन ले रहे हैं कोविड नहीं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो आपको करना पड़ेगा। उधर महाराष्ट्र में ऑक्सीजन के लगातार बढ़ते संकट के बीच केंद्र सरकार जहां ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए राज्य को मदद कर रही है, वहीं बीएमसी भी अब एक्शन में आ गई है। दावा किया जा रहा है कि बीएमसी ऑक्सीजन के 16 प्लांट लगाएगी। ये 16 प्लांट 12 सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे। इन सभी ऑक्सीजन प्लांट को एक महीने में बना लिया जाएगा। इन प्लांट्स में 43 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा। उधर देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना चुनौती बना हुआ है। यहां 24 घंटे में 348 लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 32.43% हो गया है। दिल्ली में कुल सक्रिय मरीजों का जिक्र करें तो इनकी तादाद 92,029 है। राहत की बात यह है कि एक दिन में कोरोना के 23,572 मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते व्यापारिक संगठनों ने स्वैच्छिक लॉकडाउन का फैसला लिया है। ये निर्णय लिया कि सरकार यदि लॉकडाउन को बढ़ाए तो बहुत अच्छा होगा, और यदि सरकार किसी कारण से नहीं बढ़ा पाती है तो दिल्ली के व्यापारी संगठन स्वैच्छिक रूप से 26 अप्रैल से 2 मई तक अपना बाजार स्वयं बंद रखेंगे। और उसका सीधा कारण यह है कि क्योंकि मेडिकल सुविधाओं पर बोझ अधिक पड़ गया है और हम सरकार की मदद करना चाहते हैं, यदि बाजार खुले तो संक्रमण और तेजी से बढ़ेगा और मेडिकल सुविधाओं पर बोझ पड़ेगा, तो सरकार की एक तरीके से दिल्ली के व्यापारी मदद कर रहे हैं। कोरोना की इस किलर स्पीड का सबसे ज्यादा असर ऑक्सीजन की व्यवस्था पर पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों को पहले से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। यही वजह है कि देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। इसी किल्लत को दूर करने के लिए पीएम मोदी की अगुवाई में आयोजित हुई एक बैठक में एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत अब ऑक्सीजन और उससे संबंधित उपकरणों से बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस पर छूट देने का फैसला लिया गया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि देश में इस वक्त ऑक्सीजन और उससे जुड़े उपकरणों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस की वैक्सीन के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क पर भी 3 महीने के लिए छूट देने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से न सिर्फ ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा किया जा सकेगा बल्कि वैक्सीन भी आसानी से मुहैया हो सकेगी। इतना ही नहीं, सरकार के इस कदम से ऑक्सीजन और वैक्सीन के दामों में कमी भी आएगी। उधर देश में कोरोना के महासंकट के बीच जारी ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर ने भी कमर कस ली है, और राज्य के सबसे बड़े ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट ने ऑक्सीजन उत्पादन का काम शुरू कर दिया है। यहां 24 घंटे लगातार काम किया जा रहा है और प्लांट में उसकी क्षमता का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है। कोरोना से लड़ाई में पीएम मोदी की अपील पर निजी सेक्टर भी मदद के लिए आगे आया है। निजी सेक्टर आईटीसी ने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हाथ बढ़ाते हुए दूसरे एशियाई देशों से 24 क्रायोजेनिक कंटेनर लाने का जिम्मा उठाया है। साथ ही आईटीसी हवाई रास्ते से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बड़ी खेप लाने ले जाने का काम भी कर रही है। कंपनी ने सरकार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग को जीतने के लिए देश की फर्टिलाइजर कंपनी क्रिप्को भी आगे आई है। कंपनी ने सूरत के हजीरा और यूपी के शाहजहांपुर में ऑक्सीजन की यूनिट लगाने का काम शुरू कर दिया है। इस प्लांट से पैदा होने वाली ऑक्सीजन को अस्पतालों में मुफ्त दिया जाएगा।
इस प्लांट के जरिए हर दिन 100 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की जा सकेगी। कंपनी के ऑपरेशनल मैनेजर MR शर्मा का दावा है कि आने वाली 10 मई तक यहां से ऑक्सीजन मरीजों तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। क्रिप्को हजीरा में 1 करोड़ की लागत का एक प्लांट लगाने के लिए 19 अप्रैल को ऑर्डर प्लेस किया है, जो कि करीब 2 हफ्ते में बनकर तैयार हो जाएगा। और ये प्लांट में 100 सिलेंडर डी टाइप कैपेसिटी के पर डे भरे जाएंगे, जिनको कि हम सूरत के अस्पतालों में फ्री ऑफ